हे गाइज व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम बहुत दिनों बाद यूपी पुलिस भर्ती पेपर 2018 जो हुआ था उसको लेके बात कर रहे हैं। तो भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा गया है 8 तारीख तक। हाई कोर्ट ने कहा 8 तारीख तक आप जो आपके तरफ से दलील है उसे पेश की जाए। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर के कटिंग में आज दिखाया गया था, सबको हम एक एक देखेंगे, सबको बताएंगे सब में क्या लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगर जो आप मेरे लेसन्स वीडियो के जो चल रहे हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी देख सकते हैं। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मुझे देखने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे बहुत सारे लेसन्स देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं क्या सबूत हैं, क्या चीज़ें हैं और कैसे आगे कोर्ट ने भर्ती बोर्ड से जवाब तलब मांगा है। तो सबसे पहले हम आपको न्यूज पेपर्स के ढेर सारे कटिंग दिखाएंगे। ये देखिए, ये कटिंग है पुलिस भर्ती परीक्षा हलफनामा मांगा। ठीक है, तो अब दूसरी कटिंग देख लेते हैं। दूसरी कटिंग ये है भर्ती परीक्षा में धांधली पर जवाब तलब। तीसरी कटिंग देख लीजिए, तीसरी कटिंग ये है भर्ती परीक्षा पर हलफनामा मांगा गया। उसके बाद और भी कटिंग्स हैं, ये देखिए और कटिंग है ये जवाब तलब। उसके बाद और ये देखिए दैनिक जागरण का सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट ने मांगा हलफनामा। उसके बाद ये है, ठीक है, इतने सारे सबूत आपके सामने आ गए हैं। चलिए अब एक को पढ़ लेते हैं, इसमें क्या हो गया, क्या कहा गया है। ठीक है, इसमें देखिए सिपाही भर्ती परीक्षा 2018 में गड़बड़ी हुई तो उस पर हाईकोर्ट ने मांगा है हलफनामा। देखिए इसमें क्या लिखा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भर्ती परीक्षा जो 27486 लिखा, इसमें 27486 दिया गया है, पुलिस एवं पीएससी सिपाहियों की भर्ती परीक्षा 2018 में गड़बड़ी के शिकायतों पर विचार कर अपने अपर सचिव यानी कि पुलिस भर्ती बोर्ड के जो अपर सचिव हैं उनसे 8 अगस्त तक व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। यानी कि उनको 8 अगस्त तक उनके तरफ से जो दलीलें हैं उसको उनको पेश करना है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका में गंभीर आरोप के साथ दस्तावेजी साक्ष्य मतलब बहुत सारे सबूत दिए गए हैं, जो बहुत बड़ा एडवांटेज हम लोगों के लिए हो रहा है। हम लोगों ने जिस तरह से आप लोगों ने भी सपोर्ट किया और उसका फ़ायदा यहाँ पे मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। अब देखिए, अपर सचिव याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार कर हलफनामा दाखिल करें। याचिका की जो अगली सुनवाई की जो डेट है वो 8 अगस्त मतलब 8 अगस्त डेट दी गई है हलफनामा दाखिल करने की। अब देखिए, न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र ने धीरेन्द्र गुप्ता व अन्य 25 देखिए सारे धीरेन्द्र गुप्ता जो अन्य 25 है ये आपके याची हैं अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। इसमें देखिए 26 टोटल याची बनाई गए हैं। ठीक है, अब देखिए याचिका में अन्य आरोपी के साथ यह भी कहा गया कि एक ही के तरह के पेपर दो पालियों में दिए गए थे। तो ये चीज़ें तो सही है, इसमें कहा क्या गया है चीज़ें आप लोगों के सामने, आप लोगों ने पेपर दिया आपको पता है क्या क्या चीज़ें गड़बड़ी हुई हैं। तो हम मुझे लगता है जहाँ पे ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों के लिए अच्छा हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि उनके पास भर्ती बोर्ड के पास कोई अच्छा ये साथ होगा कि ये चीज़ें नहीं हुई हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतने सबूत दे दिए हैं हम लोगों के लिए यहाँ पे एडवांटेज होने वाला है। तो चलिए, जो भी न्यूज और आएगी निकल के वो बताते रहेंगे, बस अभी आप लोगों का सपोर्ट बना रहे तो हम लोग आगे काम करते रहेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।